अरविंद केजरीवाल तो फंस गए हैं, उनके गले में एक एसिडी फंसी है, ना निकल सकते ना वो उगल सकते हैं, ठीक है ना। अब वो पंजाब के भाषा बोले या दिल्ली की भाषा बोले उनको यही समझ नहीं आता। हम कहते हैं न्यायपूर्वक अगर बात करेंगे तो हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट ने SOIL से पानी जो मिलना है उसका फैसला दिया जा चुका है। केवल अब एक एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है, वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। पानी जो उनको आता है अगर वो उस हिस्से से सारा मिल जाएगा और वो उसका लाभ दिल्ली को भी होगा। पंजाब अगर पानी छोड़ता है तो हरियाणा को ही नहीं, दिल्ली को भी उसका लाभ होने वाला है। वरना एक स्थिति ऐसी आएगी कि पंजाब में जितना पानी ज्यादा उपयोग करते हैं उनकी जमीन वो उपजाऊ नहीं रहेगी और ये पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है जिसमें वो खुशी मनाते हैं वो भी उनको नहीं मनानी पड़ेगी। जन सुनवाई का जो कार्यक्रम सिरसा में आयोजन किया गया इसका, और बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस पहले से ही हमने मंगवा ली थी जिनका स्क्रूटनी की गई, और उसमें से काफ़ी जो काम है वो पहले से ही जो ग्रीवेंस करने वाले ऐसे लोग थे सुनवाई वाले उनको बता दिया गया था कि ये सारे काम आपके हो गए हैं। एप्लीकेशन में से 200 एप्लीकेशन सेलेक्ट की गई थी, जो लिस्ट की गई थी, जिसमें से आज 127 लोग प्रत्यक्ष आए हैं। बाकी लोगों का ऐसा मान करके चलते हैं कि उनके ग्रीवेंस को पहले ही एड्रेस कर दिया गया, इस तरह से नहीं आए, और बाद में जो ऑन द स्पॉट बाद में जो लोग आए हैं जिनकी लिस्टिंग पहले नहीं की गई थी, ऐसे भी 102 लोग इस प्रकार के भी आए हैं। इनमें भी सब लोगों की सुनवाई है वो की गई है। ऐसे कुल मिलाकर 300 में से और 227 लोगों की आज जो है सुनवाई हुई, और उन सब का जो विभाग के अनुसार जानकारियां थी सबको दे दी गई। एक पटवारी की शिकायत मिली थी, महेंद्र पटवारी, उस महेंद्र पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उस प्रकार का जैसा व्यवहार उस पटवारी का ध्यान में आया है वो कोई उचित नहीं था, इसलिए उसको सस्पेंड किया है। एक DFO है रघुवीर सिंह, कटाई के फॉरेस्ट की कटाई के पेड़, उन्होंने भी जिस लापरवाही से यहाँ विषय को गंभीरता से न लेते हुए लापरवाही दिखाई, उनको भी 1 महीने की कंपलसरी लीव इसके ऊपर भेजा गया ताकि ये भी एक सबक ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए। एक महिला उपस्थित हुई थी जिन्होंने कहा कि मेरे पास जमीन 9 एकड़ है, मेरी ओल्ड एज पेंशन बना दी जाए। तो उनको समझाया है कि हमारे यहाँ 5 एकड़ का एक नियम है कि 5 एकड़ से ज़्यादा अगर किसी की ज़मीन होती है तो उसको ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलती है, और उन्होंने बताया कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, मेरी आवश्यकता ज़्यादा है। हमने तुरंत 1 लाख रुपया DQ में से जो डिस्क्रिशनरी कोटा है मेरे पास उसमें से उनको तुरंत दिया है। लेकिन नियम जो है ओल्ड एज पेंशन के उनको ज़रूर ध्यान रखना होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार का एक केस और आया है कि पति की 27 एकड़ जमीन थी और 27 एकड़ जमीन थी और उन्होंने मरने से पहले अपने बेटों को वसीयत कर दी, पत्नी के नाम कुछ नहीं दिया, जो कि नियम अनुसार उचित भी नहीं है क्योंकि पत्नी का जो उसका जो भत्ता है गुजारा भत्ता वो भी परिवार को पति जब तक है ठीक है, नहीं तो बेटों को भी देखना होता है और उसका तो जमीन में हक भी बनता है। हमने उसका आदेश ही दिया क्योंकि विल है, विल को तो शायद कैंसिल नहीं भी किया जा सकता, कानूनी उसका प्रावधान देखेंगे, लेकिन तब तक उस 27 एकड़ में से एक हिस्सा 1/4 जो है 6.5 एकड़ और उसकी जो इनकम है आमदन है वो उस महिला को दिलाने के लिए हम जो भी प्रावधान होगा वो करेंगे ताकि उस महिला को उसका गुजारा उस 6.5 एकड़ जमीन का जो आमदन है आय है उसमें से उसको मिलता रहे।